करियर कैसे हो दोस्तों। मैं नंदू आप सभी का बंधु स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। आज का रिजल्ट है बहुत ही खासम खास है, क्योंकि आज का रिजल्ट जो है वो मतलब आज का वीडियो जो है वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में है। हाल ही में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था और वो माना मतलब मैंने एनालिसिस भी किया था और बहुत सारे टीचर्स ने भी एनालिसिस किया था। बहुत ही टफ पेपर था और बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस वगैरह थे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। और हम लोगों ने डिटेल्स उसका एनालिसिस भी किया था कि क्वेश्चंस वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह इनवैलिड क्वेश्चंस वगैरह भी था, इनवैलिड ऑप्शंस वगैरह भी थे। तो वही जो क्वेश्चन हाल ही में हुआ था ओडिशा सिविल सर्विस का, तो उसी का रिजल्ट आज पब्लिश हुआ है। सो ग्रेट न्यूज। एंड सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सभी को जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके सबको, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था प्रीलिम्स के एग्जाम देने के लिए उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जैसे 8220 आप देख सकते हैं मेरे साथ, 8220 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं इस बार, क्योंकि पोस्ट वगैरह अभी इस बार ज़्यादा निकला है तो इसीलिए ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं प्रीलिम्स को। उसमें से 2730 वेमेंस भी क्वालिफाई किए हैं। और गुड न्यूज़, ये एक गुड न्यूज़ है, बहुत सारे लोगों ने इस बार क्वालिफाई किया है। और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है कॉन्ग्रेचुलेशन। और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ ये अभी जर्नी का शुरुआत है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा खुशी मनाने वाली बात उतनी है नहीं, ठीक है। अभी और ऐसे दो रिजल्ट आने वाले हैं, मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू का रिजल्ट। सो अभी से ज़्यादा जश्न नहीं मना के अपने तैयारी को शानदार तरीके से मेंस के लिए प्रिपेरेशन कीजिए, क्योंकि आपका जो मेंस होने वाला है वो फरवरी 2024 के आसपास, इस मंथ में फरवरी में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। और इस बार पूरा का पूरा यूपीएससी का जो ट्रेंड होना चाहिए उसी के हिसाब से पेपर्स वगैरह सेट होने वाले हैं, जो एज एक्सपेक्टेड है। और सिलेबस में भी बहुत सारा चेंज आया है, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी टफ, बट अच्छे से हम लोग अगर प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जी जान लगा दीजिए, जिन लोग क्वालिफाई किए हैं जी जान लगा के अच्छे से तैयारी कीजिए। और इम्पोर्टेंट अपडेट्स और मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अगर चाहते हैं तो आप नंदूश ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ की आपको डेली जीएस के क्वेश्चन विद आंसर्स भी दिए जाते हैं और इथिक्स के केस स्टडीज और इथिक्स के भी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस किया करवाया जाता है। डेली क्वेश्चन दिया जाता है, आप लिख सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे और इवोल्यूशन में आपको सजेशंस मिलेगा, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इवन आंसर को एनरिच करने के लिए भी ढेर सारा आपको डेटा, फैक्ट्स, बारग्राफ, फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और बहुत बहुत कुछ मिलेगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और ये सब एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है आप दोस्तों, डेफिनेटली आप जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो क्वालिफाई कर लिए हैं, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं कोई नहीं दोस्त, सबका दिन आता है, टेंशन मत लो। आप अपना हार्डवर्क कीजिए, पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगा। वैसे मेरी अपनी बात अगर कहूँ तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, ठीक है, थर्ड अटैम्प्ट था और दो अटैम्प्ट दे चुका हूँ, दो बार प्रीलिम्स क्रैक कर चुका हूँ दोस्तों। लेकिन मैंने मेंस भी क्रैक कर लिया था पिछली बार और इंटरव्यू स्टेज भी मैं फेस कर चुका हूँ, बट इन द फाइनल रिजल्ट आई वॉज आउट ऑफ दैट। सो चीज़ क्या है दोस्तों, हम लोग कभी भी कहीं भी फेल हो सकते हैं और फेल्यूर बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बहुत एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। तो डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, जो जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उसको अच्छे से सोचिए, समझिए कि कहाँ खामियाँ थी, कहाँ गलती हुई हमसे, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचिए, समझिए और डेफिनेटली आप अच्छे से और काम करेंगे तो डेफिनेटली अगले साल आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, अच्छे से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से लेके चलना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा 8000 प्लस लोगों का इसमें रोल नंबर दिया गया है। और इसी रोल नंबर के बीच में इस पेज पे आप देख सकते हैं मेरा भी रोल नंबर एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बार मैंने दिया था और मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, ये थर्ड बार मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर मी एज़ वेल, बट अभी जस्ट शुरुआत है, जर्नी की शुरुआत है। ये तो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, इसके बाद मेंस है, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू भी है, तो बहुत सारी जर्नी अभी बाकी है। तो अभी से ज़्यादा जश्न मनाने की कोई ऐसी बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो लग जाइए अच्छे से अपने तैयारी में, ज़ोर शोर से अच्छे से पढ़िए,
और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है, आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर नंदूस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल या फिर आंसर राइटिंग चैनल, दो चैनल है, आप जो दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और भरपूर उसका एंजॉय भी कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।